अब आप लोगों को मेरे साथ किचन में आना पड़ेगा। आइए जी, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सब लोग सर। नहीं, आप भी आ जाएं सर, आप तो जरूर आएं। क्यों नहीं आए? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आई एम गोइंग टू कुक, आई एम गोइंग टू मेक चना और अंडे। मैंने पहले अंडों को फ्राई करके रख दिया है, सो नो वरीज देयर। एंड तुम खाना तो बनाते हो ना सर? हाँ बिल्कुल, हम तो सारी उम्र खुद ही खाना बनाया। अभी बर्तन खुद ही धोते हैं घर में। कोई बात नहीं, वो सब सभी करते हैं, सभी करते हैं, जिस बता बता था कोई नहीं करते, सभी हैं। अंडा छोला, यस, अंडे छोले। अच्छा, ये सारी रेसिपीज मेरी होती हैं, सो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अपने रिस्क पे ट्राई करना। हम तो बना लेते हैं, मैं तो बना ही लेता हूँ, बट देन आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी। चले, डॉक्टर साहब ने कहा है तो फिर ठीक ही है, फिर सही है। खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं बना, लेकिन उसकी आ रही है जो भी आप बना रहे हैं। बटर की, बटर की, हाँ, अभी तो बटर की है, लेकिन अभी कुछ बना नहीं है। आपने इसको बॉईल करके फ्राई किया? जी, मैंने बॉईल करके फ्राई कर दिया पहले। हाँ, आप लोग नहीं करते ऐसे? नहीं, हम बॉईल करते। नहीं नहीं, हमारे यहाँ होता है। अच्छा, मेरी मदर जो थी वो और हैं, वो बॉईल करके फ्राई किया करती थी, देन अंडे डालते थे उसमें। हाँ, और वो रख लेते थे हम तो। मुझे 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 लगता है कि मैं आई जस्ट फॉलो हर रेसिपीज, जो कुछ मैंने उनको बनाते हुए जैसे देखा था। जी जी, तो जाहिर है आप अपने मदर से इंस्पायर होते हैं। बेशक। तो बट समहाउ मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ना ये एक नया काम करने वाला हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। क्या खोले सर? है ना, जो बिजनेस आपका नजर आ रहा है वही तो नहीं? ये मुझे नहीं मालूम, वही है। वैसे बाय द वे मेरा एक और बिजनेस है, ये मैं बता रहा हूँ, स्किन केयर का बिजनेस है मेरा। अच्छा, हाँ, तो अब मुझे बताओ उसके अलावा ये काम मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। There you go. जहाज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हाँ, तो स्किन केयर भी चल रहा है तो मतलब। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? क्या एम्स है? नहीं, इसके अलावा आई एम फिनिशिंग अप माय पीएचडी, मैं अपनी पीएचडी खत्म कर रहा हूँ, वो मुझे ज़रूर ख़त्म करनी है, क्योंकि इन दोनों थोड़ा सा मैं पढ़ाई से दूर हूँ। मेरे साथ एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ था नवंबर के अंदर, तो जिसकी वजह से मेरी सेहत जो थी वो मुतासर हो गई थी थोड़ी सी। okay. थोड़ी सी नहीं, खासी। तो बट अदर देन दैट, अच्छा जी, अब मैं प्याज ले रहा हूँ और प्याज को इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं प्याज को ब्राउन नहीं करता, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट। मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग प्याज को ब्राउन कर देते हैं, सुनिए, आई थिंक वो सारा उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, वो काला हो जाता है सालन अगर ज़्यादा ब्राउन। हाँ हाँ, आई थिंक वो अच्छा नहीं होता, तो वो मैं ख़त्म करना ज़रूर चाहूँगा। मेरी जो पीएचडी है वो ख़त्म हो जाएगी? हो जाएगी, पक्की बात है। अगले दो साल में बहुत कुछ हो रहा है आपकी? अगले दो साल में बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव। और जी, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और प्याज के साथ साथ अली की ज़रा स्टोरी सुनते हैं ना। अली, पहली मोहब्बत कब हुई थी तुमको? हाय क्या पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ सर, और ये देखना घर पे भी देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सर, पहली मोहब्बत तो हकीकत है, हमारे तो इश्क तो इससे था, लेकिन लड़की से होना भी जरूरी है ताकि फिर इश्क जो है पकता है, पकता है जैसे प्याज पक रहा है। तो लड़की से भी होना जरूरी है, मतलब तो आपको इश्क किससे हुआ? हुआ होगा, लड़की से ही हुआ ना। उनको पता नहीं था, हमारी तरफ से था, उनको पता नहीं था। अच्छा, उनको पता होना, उनको पता ही नहीं था, वन साइडेड था बस। ऐसे ही खत्म हो गया, पता ही नहीं था, भले भले हो गया। हाँ, भले हो गया। फिर हम इस इश्क में आ गए, इन्फैटुएशन हो गई ना ये तो। फिर बाद में जब बच्चे हुए उनको, फिर हमने बताया कि हम तो आपके आशिक थे, जब ये बोल रहे थे तो हम, वो तो इश्क था हमारा। उनके जब बच्चे हुए तब बताया? आप मामू बन गए यानी के। तो उनके जब बच्चे हुए तो फिर फायदा क्या था बताने का? फिर मेरे का बता ही दें ताकि वो जिंदगी में खलिश ना रह जाती ना, कि मैंने बताया नहीं, इश्क का इजहार नहीं किया। अच्छा जी, अब मैं इसमें टमेटोज जो है वो डाल रहा हूँ। एंड अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर तो कहानी खत्म हो गई, हमारा इश्क कन्वर्ट हो गया इधर अदाकारी की तरफ, मुकम्मल मुकम्मल। फिर उसके बाद कभी इश्क नहीं हुआ सर? ये हम जब फिल्में देखते थे ना, हम वो बन जाते थे। सीरियसली? हकीकत ये, जो जब आपकी उम्र ऐसी होती है 15-16 साल की, तो फिर उसमें मैंने क्या प्यार किया, एक फिल्म आई थी, तो मैं सलमान खान हो गया था। आप सलमान खान हो गए? वीसीआर का दौर था तो। हाँ सर, एक उसको रिकेट विकेट होती है, मैं बड़े पैसे कटे करके रिकेट लेकर आया, जो बैडमिंटन खेलते हैं तो वो लेकर आया, क्योंकि उस फिल्म में उसको थी ये। अच्छा, फिर कबूतर के चक्कर में, भाई कबूतर दे दो। अच्छा जरा, आपको कभी ऐसी कोई कुछ हुआ, मोहब्बत हुई? इश्क? मुझे नहीं, मोहब्बत। मतलब मोहब्बत होती रहती है, होती रहती है।
ओके हम नॉन ऐसे नहीं थे, हम तुम्हारी तरफ ही रहते हैं यार, उधर नहीं जाओ। नहीं नहीं सर, मुझे एक ही मोहब्बत हुई जिससे मेरी शादी हुई और माशाल्लाह आज मैं उनके बच्चों की माँ हूँ। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड यू नो दैट? ऑफ कोर्स आई नो दैट, ऑफ कोर्स आई नो दैट। आपका तो हमें पता है, वो सामने है तो कुछ कहने, आपका इश्क सामने बैठा हुआ, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जी। नो बट माय फर्स्ट लव वाज लाइक माय प्रोफेशन। ऑफ कोर्स, ओके। जैसे जब मैंने मेहनत के जो दिन थे वो सारे अपने प्रोफेशन में, अपने करियर बनाने में लगाए। या बिकमिंग अ डॉक्टर वाज नॉट इजी, इट वाज रियली टफ, नॉट इजी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने वो कनान, तुम्हें भी तो इश्क हुआ होगा? मुझे नहीं साहब भाई, ये अपने काम से हुआ। इसके अंदर हमने, अच्छा मैं कोई चीज़ मेजर नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि ये कुछ मतलब आप लोग ना करें, आप लोग मेजर करके डालें, आपकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, आप उसको मेजर करके ज़रूर डालें। अच्छा, इसके बाद मैं चूँकि बहुत सारी मिर्चें जो हैं वो खाता हूँ, आई लव स्पाइसेस एंड आई लव, लेकिन मैं अपने किसी भी चीज़ में गरम मसाले का कभी कोई एडिशन नहीं करता। आई डोंट लाइक गरम मसाला, इट्स नॉट दैट कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट आई जस्ट डोंट प्रेफर गरम मसाला। ये मैंने गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दिया, एंड थोड़ी देर के बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे। बेसिकली अंडे चने बन रहे हैं जो अंडे चने नहीं, अंडे चने नहीं बन रहे, इसके अंदर मैं श्रेडेड चिकन यूज़ करूँगा, श्रेडेड चिकन यूज़ करूँगा, एंड एंड इट्स रियली गुड। जब आप इसको खाएंगे तब बताइएगा। आज आपको पराठों के साथ हम लोग ये खिलाने वाले हैं। आप पराठा भी बनाएंगे? नो, पराठा बने, ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा कि मैं तुम लोगों के लिए पराठे बना रहा हूँ। और अगर बेटा मेरी ये मेहनत तुम लोगों ने बर्बाद की ना, और मैं किसी ने पूरा पेट भर के, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं कर गई, तो सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई, 7 बजे मैं सबसे पहले पिक हुई, यहाँ आके मैंने लाइटें ऑन की हैं। लाइटें ऑन की हैं? क्या है? कुलचे, कुलचे हैं जी, कुलचे, दैट्स इवन बेटर, कुलचे, कुलचे ज्यादा ज्यादा बेहतर। या आई लव इट बाय द वे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फिल्म्स देखती हैं, ड्रामा देखती हैं? मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी इनसे ब्रेक में कि मैं बिल्कुल भी ड्रामे और फिल्म्स नहीं देखती, लेकिन इश्क मुर्शिद मैं देखती थी। लाइक जब भी मेरे हस्बैंड लगाते थे तो आई यूज्ड टू सिट। आपके हस्बैंड लगाते थे? मतलब वो चैनल वो फोर्स करते हैं मुझे कि आओ बैठ के ड्रामा देख लो। okay. तो मैं उनको कहती नो आई डोंट वॉच ड्रामा और मूवीज ना। okay. तो लेकिन इश्क मुर्शिद में देखती थी। ये एक ऐसा वाहिद ड्रामा था जो मैं इनके साथ, जो आपने देखा। अच्छा जी, ये वही है ना, कैन वाले ना? हाँ। अच्छा मैं ये कैन वाले लेता हूँ, छोले जो हैं आप कैसे भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल दी हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा, हम उधर चल के बैठ जाते हैं। 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा, मैंने तमाम चीज़ें कर दी हैं। इसके बाद बिल्कुल इनके अंदर आके मैं इसके अंदर श्रेडेड चिकन जो है वो ऐड करूँगा, और चिकन ऐड करने के बाद फिर इसके बाद हम इसमें एग्स जो हैं वो ऐड करेंगे, एंड लेट्स सी आज इन लोगों को पता चलेगा कि ये खाना अच्छा बना है या नहीं बना। अगर बना होगा अच्छा तो गुड, और अगर नहीं अच्छा बना होगा तो भी मैं तो आके बंद करके खा लूँगा भाई, साहब साहब ने बनाया है, हमें तो जो भी होगा खा लेंगे। आज तो आपका जहर ही कबूल है, भले जैसा भी हो, भले जैसा, भले भले भले, राइट, भले इट्स भले।